देख सकते हैं दोस्तों, मक्का को भी खा के पूरा झरला कर दे रहा है। देख सकते हैं पत्ता कैसा देख रहे हैं, देखते हैं पूरा ही। तो दोस्तों खींचने लगेगा, देखिए तो इतना जैसे मेहनत करने के बाद जो देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से यहाँ पूरा लगल है। इतना इतना जैसे लग गया है ना दोस्तों कि क्या बोले, पूरा पत्ता को एकदम गला दिया है। देख सकते हैं तो कीड़ा लोग है, वो सारे पत्ता लोग को खा जा रहा है। हेलो दोस्तों, जोहार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग वीडियो में। आई होप गाइस आप लोग बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो गाइस अभी हम आए हैं बारी तरफ। तो गाइस देख रहे थे कि सब्जी उब्जी जो लगाए हैं देख सकते हैं, वो सबको देखने के लिए आए थे। तो गाइस पता चल रहा है कि पूरा यहाँ जो बारी में सब्जी लगाए हैं वो सब में जो कीड़ा बोलते हैं, वो हम लोग के गाँव देहात में उसको भुआ पीलू बोलते हैं। तो आप लोग अभी जा कर दिखाते हैं। तो गाइस वो कीड़ा लग गया है तो उसको अभी दवा देने के लिए आए हैं। और गाइस देख सकते हैं यहाँ जो दवा लाए हैं, आप लोगों को खोल के दिखाते हैं, इसको अभी देना है। दोस्तों ये दो दवा है जिसे लगाना है। तो देख सकते हैं कि इसका जो है बड़ा वाला का जो है इसमें इसका बता दे रहे हैं कितना कितना लगाएंगे, पता नहीं चल रहा है थोड़ा। ये देख सकते हैं दोस्तों इसमें 25 ml डालना है इसको, बड़ा वाला को जो ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला इसको, और ये जो छोटा वाला है इसको 10 ml डालना है। देख सकते हैं इसमें छोटा वाला में भी दिया हुआ है 10 ml। तो इसको भी दोनों को मिक्स करके देना है। तो दोस्तों चलिए ले चलते हैं कि किस तरह से जो हमारे सब्जी में लगाए हैं वहाँ पूरा कीड़ा लग गया है, तो उसको चलिए चलिए उसको दिखाते हैं अभी। उससे पहले दोस्तों देख सकते हैं कि ये मिर्चा का पौधा है और इसमें भी इसका पत्ता सिकुड़ रहा है, तो इसमें भी दवा लगाना है। तो इसमें तो इसे कीड़ा वीड़ा नहीं लगा है, जिसमें लगा है वो इधर है। तो चलिए उसको दिखाते हैं अभी। दोस्तों ये है भिंडी का पौधा, इसको भी लगाए हैं छोटा सा टुकड़ा में, देख सकते हैं इसका फूल उल तो आ रहा है अभी कुछ दिन में, अभी भिंडी भी बढ़ने लगेगा। देख सकते हैं छोटा छोटा जो है वो फल फूल आ रहा है, देख सकते हैं। तो इसमें भी देख सकते हैं पत्ता किस तरह से पूरा झगड़ा हो गया, इसमें भी शायद लगता है कि इसमें कीड़ा वीड़ा लग गया है, तो इसमें भी दवा वा लगाना है। तो गाइस चलिए चलते हैं कि किस तरह से हमारे सब्जी में जो कीड़ा लगल है ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा लग गया है और इसके वजह से पूरा पत्ता उत्ता जो सब्जी में फूल उल आ रहा था वो भी पूरा गल गया है। तो चलिए ले चलते हैं बाहरी तरफ, देख सकते हैं इधर क्या क्या लगाए हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये है मक्का और इसी में देख सकते हैं लगाए हैं, ये है फ्रेशबीन का पौधा है, देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी सडनली आए थे इधर बारी तरफ देखने के लिए कि सब्जी उब्जी कैसा है। तो देख रहे हैं दोस्तों कि इधर का पूरा जो हम लोग मेहनत किए हैं, पूरा मेहनत को यहाँ का जो कीड़ा उड़ा है पूरा पूरा चाट दे रहा है, देख सकते हैं पता ही सबको। तो दोस्तों खींचने लगेगा, देखिए तो इतना जैसे मेहनत करने के बाद जो यहाँ का कीड़ा लोग है वो सारे पत्ता लोग को खा जा रहा है, तो इसमें कितना सब्जी निकलेगा बताइए। तो आप ही लोग देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से यहाँ पूरा लगल है, इतना इतना जब से लग गया है ना दोस्तों कि क्या बोले, पूरा पत्ता को एकदम गला दिया है, देख सकते हैं। तो इसी के लिए अभी आए हैं दवा मारने के लिए, देख सकते हैं ये है दवा का मशीन और हम इसमें टंगाए हुए हैं। तो अभी इस सबको अभी दवा हुआ मारेंगे, देख सकते हैं दोस्तों पत्ता को किस तरह से जो कीड़ा लोग है खा के पूरा झझरा कर दे रहा है, देख सकते हैं पूरा पत्ता को पूरा खा खा कैसा गला दे रहा है, देख सकते हैं। और ये है दोस्तों ये है बोधी का पौधा है और इधर है भिंडी का पौधा, देख सकते हैं इसमें भी फल आ रहा है, देख सकते हैं फूल सा एकदम आ गया है और कुछ दिन में इसमें फल भी आने लगेगा, इसका सब्जी भी आ जाएगा। दोस्तों इधर का जो ये इधर ये चिन्हा दिख रहा है ना यहाँ से वहाँ तक ले पूरा, इधर जो है पूरा इधर पूरा बोधी का सब्जी है और इधर चिन्हा से जो इधर है फ्रेशबीन जो हम लोग बीन बोलते हैं, देख सकते हैं इधर छोटा छोटा फलता है और इधर जो है इस साइड में देख सकते हैं लंबा लंबा जो है, अभी तो पूरा क्या बोलते हैं कीड़ा खा जाने की वजह से छोटा ही बांदर आ गया है। तो दवाई वे मारेंगे, देख इधर इधर दिखाते हैं कि किस तरह से लंबा लंबा है। उसके बाद ये देख सकते हैं दोस्तों इतना लंबा लंबा है और इधर भी पूरा कीड़ा खा किस तरह से देख सकते हैं पूरा एकदम गला दिया है सबको। इस सबको अभी मारना तो पड़ेगा ना रे बाबा, तो कैसे रहेगा ये सब। ये देखिए ऐसा वाला कीड़ा ये सब पूरा लग गया एकदम पूरा सब्जी में। तो दोस्तों ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा ताकि आज
इस सब जो पीलू लोग हैं ना वो सबको भी हम खत्म करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों कैसा घुसियाल घुसियाल है, देख सकते हैं ये लोग ना पूरा कीड़ा उड़ा खा खा के ना मोटा गया है। तो सबको अभी दवा वा लगाएंगे, दवा नहीं लगाएंगे ना तो पूरा मेरा सब्जी बर्बाद कर देगा जो लगाए। और दोस्तों इससे आगे भी लगाया हुआ है तो उसको भी एक खंधा आगे दिखाते हैं। यहाँ तो एक खंधा था और इसमें इधर देख सकते हैं, यहाँ से इधर जो चिन्ह दिख रहा है ना इससे इधर भी एक सब्जी है और इधर इधर का भी। ये वाला जो है इसका फूल देख रहे हैं ये लाल वाला है और इधर जो है ये वाइट वाला है। तो दोनों में अंतर ये है बस कि एक का जो गोटा जो बीज रहता है उसका लाल रहता है और इसका जो बीज रहता है ये वाला का इसका बीज ना अंदर में वाइट रहता है। वाइट बोले तो मतलब कितना उतना ज़्यादा नहीं, मटर का बीज देखे ना वैसे ही रहता है। तो बस दोस्तों इतना ही सर सब्जी है और इस सब में भी दवा हुआ लगाना है, दवा हुआ मारेंगे उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से दवाई का जो छिड़काव किया जाता है उस सबको। दोस्तों देख सकते हैं कि हम बात बारी का बीच में हैं और चारों यहाँ लगाए हैं, खाने के लिए लगाए थे तो काफ़ी ज़्यादा निकलता है तो इसी के लिए यहाँ निकलने का कार हैगा दोस्तों। यहाँ तो सबको पीलू खा खा के एकदम गला दे रहा है तो सबका आप लोगों को दिखाते हैं ना चारों तरफ है। देख सकते हैं दोस्तों मक्का को भी खा के पूरा झरला कर दे रहा है, देख सकते हैं पत्ता कैसा देख रहे हैं, देखते हैं पूरा ही। तो दोस्तों ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं फटाफट से लोग को अभी दवाई वाई का छिड़काव कर देते हैं ताकि दोस्तों देख सकते हैं मौसम भी थोड़ा अभी अभी तो ठीक है, धूप निकला है देख सकते हैं लेकिन आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, अनपथारी पानी दे देता है जानते हैं ना, कभी भी मौसम खराब हो सकता है और पानी तो ऐसे आने का जरूरी है कहे कि जो रोपा ऊपर लगाया हुआ है वो नहीं है पानी आएगा तो कैसे होगा, तो पानी आना भी जरूरी है। तो पानी आने के लिए हम नहीं बोल रहे, पानी आए हम बोल रहे हैं तो पानी आएगा तो ही सब भगा जाएगा तो जल्दी जल्दी मार देंगे तो दवा भी का असर करेगा तो जो कीड़ा उड़ा लगा है वो मरेगा। तो चलिए ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा कंटिन्यू और आप लोगों को मिलते हैं दवा मारने के बाद। ये देख सकते हैं दोस्तों कैसा घुसिया घुसिया के अभी सबको अभी देते हैं ना लेवर बाबा, फिर खा खा पूरा चर्बिया जहन मोटा जहन लेवा पूरा एकदम मार रहे हैं दोस्तों, एकदम पूरा एको वो के नहीं छोड़ेंगे एकदम। देख सकते हैं किस तरह से एकदम पत्ता में घूम चल रहा है, इसी का एरिया है ना अभी, इसी का राज है, तभी अपना तो राज जमाना पड़ेगा ना, इसीलिए दवा हुआ का छिड़काव कर रहे हैं। अभी सबको कैसे नहीं छोड़ेंगे बताइए दोस्तों, कैसे छोड़ेंगे अभी इसको चुरुक चुरुक देते हैं अभी दोस्तों। तो दोस्तों ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक ले, आप लोग बने रहिएगा ताकि इस सबको अभी हम खत्म करेंगे किस तरह से अभी सबको मार डालते हैं दोस्तों। अभी तो पूरा एकदम निकलल निकलल है, अभी कुछ चर चरा के देते हैं अभी ना। तो ब्लॉग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आज का ब्लॉग आप लोग देख सको। और गाइस इधर का व्यू जो देख रहे हो ना बहुत ही मस्त है, हम लोग का घर तरफ का व्यू है और इधर का इधर से इधर देखिएगा तो उधर भी पहाड़ लेकिन इधर सब्जी वब्जी लगाने के कारण नहीं दिख रहा है। आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाते हैं वो पहाड़, अगर दिखाई देगा तो ठीक है। ये देख सकते हैं दोस्तों इधर भी पहाड़ है तो एक आध दिन जाएंगे तो उधर का दिखाएंगे जो पहाड़ का व्यू है उसको। तो फाइनली दोस्तों जो हम लोग का दवा का छिड़काव जो कर रहे थे वो खत्म हो चुका है और गाइस चलिए चलते हैं घर, एक दवा हुआ का छिड़काव तो हो चुका है। और आज का ब्लॉग वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो में नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो में।